बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की दखल होने के बाद रिया चक्रवर्ती को लेकर तमाम चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जैसे जैसे सीबीआई के हाथ सबूत लग रहे हैं, वैसे वैसे रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत पर जादू टोना और ड्रग्स देने के आरोप भी लगे हैं। ऐसे में खुद को बचाने के लिए रिया चक्रवर्ती टीवी पर आ गई हैं। कुछ समय पहले ही रिया चक्रवर्ती ने इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया है। इस बातचीत में रिया चक्रवर्ती ने खुद को बेगुनाह साबित करने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर भी बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। इस इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने बताया कि हमने एक दूसरे को वादा किया था कि हम जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे। मुझे सुशांत सिंह राजपूत से एक बच्चा चाहिए था जो कि हुबहू अपने पिता जैसा नजर आता। मैं उसे लिटिल खुशी कहकर बुलाती, वो बिल्कुल उसी की तरह दिखता। हम अक्सर एक कपल की तरह बातचीत किया करते थे। हमारी दोस्ती प्यार में कब बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। आगे रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मुझे अच्छे से याद है कि किस तरह से हमारी मुलाकात हुई थी। सबसे पहले सुशांत ने ही मुझसे प्यार का इजहार किया था। मेरी जिंदगी में आने वाले लोगों में सबसे ईमानदार सुशांत सिंह राजपूत था। सुशांत सिंह राजपूत और उनके पिता के रिश्ते ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से वह काफ़ी परेशान रहता था।